एक्शन के दीवानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बड़े पर्दे पर लंबे ब्रेक के बाद नजर आने वाले हैं विद्युत जामवाल। दरअसल विद्युत जामवाल की अगली फिल्म क्रेक होने वाली है। आदित्य दत्त निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक गेम पर बेस्ड होगी। इस हार्डकोर एक्शन फिल्म की टैगलाइन है क्रेक, जीतेगा तो जिएगा। फिल्म में विद्युत जिंदगी को दांव पर लगाकर एक गेम खेलते नजर आने वाले हैं। तो भैया, सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी साथ इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के बेहतरीन कंटेंट आपको समय रहते मिल सके। हॉलीवुड में कमांडो 3 फिल्म में विद्युत जामवाल के साथ एक्शन का भरपूर थ्रिलर उतारने वाले मशहूर डायरेक्टर आदित्य दत्त अब फिल्म क्रैक के जरिए वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें, क्रैक को आदित्य ने ही लिखा है और डायरेक्ट किया है। वो और विद्युत इससे पहले कमांडो 3 पर साथ काम कर चुके हैं। आदित्य की बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर में आशिक बनाया आपने और टेबल नंबर 21 जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। वो मशहूर लिरिस्ट आनंद बख्शी के पोते हैं। अब इस फिल्म की बात करते हैं तो इस बात फिल्म के क्रैक की, तो इस फिल्म के लिए मेकर्स ने स्पेन, साउथ अफ्रीका, इटली और जर्मनी समेत कई देशों से 7 इंटरनेशनल एक्शन कोरियोग्राफर्स को हायर किया। अब भैया, आप समझ गए होंगे कि एक्शन का कितना जलवा इस मूवी में होने वाला है। अभी इस इंटरनेशनल पूरी टीम ने फिल्म के लिए स्लैक लाइटिंग, बीएमएक्स, साइकिलिंग, रोलर ब्लेडिंग समेत कई एडवेंचर स्पोर्ट के साथ हैंड टू हैंड कम्बैक्ट एक्शन जो सीन्स हैं वो कोरियोग्राफ किए हैं। इनमें से कई एक्शन सीक्वेंस की झलक फिल्म के टीजर में देखी जा सकती है। एक्शन सीन के बारे में फिल्म के डायरेक्टर आदित्य कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने एक्शन सीक्वेंस को डिटेल्स में लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक्शन सीन के जरिए दर्शकों तक एक इमोशन पहुँचे, और जब तक फिल्म एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्शन थ्रिलर हो और तो यह सब और भी क्रूशियल हो जाता है। एक वक्त आता है जब दर्शकों को स्टंट बोरिंग लगने लगते हैं, ऐसे में एक्शन सीक्वेंस में भी स्टोरी होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, इस साल की बात करें तो 2024 में जनवरी में एरियल एक्शन के रूप में फिल्म फाइटर रिलीज हुई, उसके बाद एक बड़ी एक्शन फिल्म के रूप में क्रैक का नाम सामने आ रहा है। क्रैक की बात करें तो ये 23 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में विद्युत के अलावा नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल और एमी जैक्सन अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन एक्शन को एंजॉय करने वाले और एक्शन को पसंद करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है। तो 23 फरवरी का इंतजार रहेगा सभी एक्शन के दीवानों को। बाकी इस सेशन और पूरी इस मूवी के ट्रेलर और इस के बारे में आपका क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ अपने राय साझा करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो भैया लाइक ठोक देना एक। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।